watching MEC exam. I am Sonam and today I am going to tell about how to make modal sentence. So use of should. So this modal should use for advice, suggestion, duty. जो हम present में करने वाले हैं, जैसे जो भी sentence हमें बनाने हो, उसमें चाहिए आना चाहिए. जैसे advice, मतलब तुम्हें वो काम करना चाहिए. Suggestion, तुम्हें पढ़ना चाहिए. ड्यूटी, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट में की जानी चाहिए. तो इसका फॉर्मूला है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एंड नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एंड इंट्रोगेटिव है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो अपना पहला एग्जांपल है, उसे परिस्थितियों को नियंत्रण करना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सब्जेक्ट है अपना बी एंड शुड वर्ब क्या है कंट्रोल नियंत्रण. नियंत्रण का इंग्लिश कंट्रोल है. एंड ऑब्जेक्ट सिचुएशन मतलब परिस्थिति, उसे परिस्थितियों का नियंत्रण करना चाहिए. तो ऐसे ही नेगेटिव बनाएंगे ही should not control situation. एंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थर्ड होगा इंट्रोगेटिव. शुड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद चला जाएगा. तो शुड control situation plus question mark. And इसका interrogative negative बनेगा, इसमें only not add होगा. तो इसका होगा should he not control situation प्लस क्वेश्चन मार्क. अब इसका डब्ल्यू एच, तो हाउ टू मेक डब्ल्यू एच. तो सबसे पहले हमें परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए, ठीक है. तो हाउ शुड कंट्रोल सिचुएशन प्लस क्वेश्चन मार्क. हमें परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए. और ऐसे ही बनेगा हमें परिस्थितियों का सामना क्यों करना चाहिए. तो हाउ की जगह पर ओनली वाई आएगा. वाई शुड कंट्रोल सिचुएशन, ठीक है. अब सेकेंड एग्जाम्पल. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल हाउ सेकेंड सेंटेंस. उसे हिम्मत रखनी चाहिए. ही शुड डेयर. डेयर मीन्स हिम्मत. इसका बनेगा नेगेटिव. ही Not dare. उसे हिम्मत नहीं रखनी चाहिए. फिर इंट्रोगेटिव बनेगा, जिसमें शुड पहले आ जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. यहाँ पे शुड ही डेयर. क्या उसे हिम्मत रखनी चाहिए. एंड अब बनेगा क्या उसे हिम्मत नहीं रखनी चाहिए. So should he not dare plus question mark. अब डब्ल्यू एच की बात है. तो डब्ल्यू एच किसे हिम्मत रखनी चाहिए. तो should dare. और हिम्मत क्यों रखनी चाहिए. तो why एंड नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए. वी शुड डिफेंड अवर सेल्व्स. तो इसका नेगेटिव बनाएंगे. वी शुड नॉट डिफेंड
interrogative. इसमें should पहले आ जाता हूँ. Should be हिम्मत नहीं रखनी चाहिए. तो अब इसका एक डब्ल्यू एच बनाते हैं. किसे हिम्मत रखनी चाहिए तो क्या होगा?